रायपुर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर के विद्युत संयंत्रों को फिर से पछाड़ा। 69.98% PLF दर्ज करते हुए सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान बनाया। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। सत्र 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आसार। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रमुख विपक्षी दल BJP मुद्दों की फेहरिस्त तैयार करने में जुटा। रायपुर मुख्यमंत्री 19 नवंबर को तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। 4000 छात्र छात्राओं के खाते में आएगी 8,53,00,000 रुपए से अधिक राशि। रायपुर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव आज कानकेर प्रवास पर। कहा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पेसा कानून लागू करेंगे, इसकी पहल आज कानकेर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष इन बातों को रखेंगे, उसके बाद विधानसभा में पारित कर कानून बनाने में पहल की जाएगी। रायपुर हवनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की लाश मिलने के मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का खुलासा। मृतक कमलेश साहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी व मां पत्नी की बीमारी से परेशान कमलेश ने उठाया यह कदम। बेमित्रा छत्तीसगढ़ में अब तक की बड़ी कार्रवाई। जिले के दर्जन भर थानों की पुलिस ने जुए के 146 ठिकानों पर मारे छापे। 462 जुआरियों को किया गिरफ्तार। इस कार्रवाई में जुआरियों से लाखों रुपए बरामद। सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। रायपुर वासी अब छठ पूजा कर सकेंगे। कलेक्टर ने छठ पूजा की अनुमति दी। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छठ घाट पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। पूजा स्थलों में छोटे बच्चों व बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। छुई खदान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोम में भाई ने माँ और बहन को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी भाई ने कहा बहन का था 1 के साथ अवैध संबंध। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर जल संसाधन विभाग के EE आलोक अग्रवाल के ठिकानों पर SCB की छापेमारी सवालों से घिर गई है। EE के भाई पवन अग्रवाल के परिवार पर कोर्ट ने हफ्ते भर पहले FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अब जांच की कार्रवाई शुरू। जसपुर जिले के लोदाम चौकी अंतर्गत महिला सरपंच के पति और उसके एक साथी को CRPF के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला सरपंच से भी बदसलूकी की। महिला सरपंच ने थाने पहुंचकर जवानों के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज।